एक बहुत पुराना भजन तो आपने सुना ही होगा, जिस एक बहुत पुराना भजन तो आपने सुना ही होगा, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हिंदुस्तान की धार्मिक खूबसूरती और सियासी संस्कृति का सबसे सुंदर पहलू है कि ये राम नाम से अछूती नहीं रह सकती, फिर चाहे राजनीति राम के नाम पर हो या राम का नाम ना लेने पर। लेकिन राम राम का जाप तो होगा ही, फिर जितने मुंह उतने राम, सबके अपने अपने राम। बाबा तुलसीदास ने इसी बात को समझाते हुए लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। नमस्कार, मैं भावना जी हिंदुस्तान डिजिटल के वीडियो प्लेटफॉर्म पर राम कथा से जुड़े ऐसे ही एक किस्से के साथ हाजिर हूँ। दरअसल मामला अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से जुड़ा हुआ है। पहले थोड़े में समझ लेते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा चर्चा में क्यों है। हुआ यूं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया। इसी बात को आंकड़ों में कहे तो अयोध्या में करीब 80 किलोमीटर रिंग रोड और 275 किलोमीटर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे बन जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 5 जिलों में 275 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा जिले आते हैं। नेशनल हाईवे बनने से गोंडा, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोग भी इससे सीधे जुड़ जाएंगे। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में धार्मिक लिहाज से तीन तरह की परिक्रमाएं हैं। पहली परिक्रमा 5 कोस की है, जो करीब 15 किलोमीटर की है। दूसरी परिक्रमा 14 किलोमीटर की है, जिसकी दूरी 42 किलोमीटर की है। सबसे खास और महत्वपूर्ण है 84 कोसी परिक्रमा, जो कि 275 किलोमीटर की है। भगवान राम की जन्मभूमि को चारों ओर से घेरी ये परिक्रमाएं श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अहम है। इसमें भी 5 कोसी परिक्रमा राम जन्मभूमि के चारों तरफ है। 14 कोसी परिक्रमा प्राचीन अयोध्या शहर की है, वहीं 84 कोस की परिक्रमा उन सभी स्थानों से होकर गुजरती है जो भगवान राम के राज्य से जुड़े रहे हैं। इसे अवध क्षेत्र की परिक्रमा कहते हैं, जो 24 दिन में पूरी होती है। सनातन परंपरा की माने तो मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है। इस तरह 84 का अंक बहुत ही महत्व रखता है। 84 को आपस में जोड़े तो ये होता है 12, और इसे भी जोड़ ले तो सिर्फ बचता है 3। ये 3 की संख्या त्रिदेवो ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण सत्व रज तम और 3 ऋणों पितृऋण गुरु ऋण और देव ऋण का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है 84 कोस की परिक्रमा मनुष्य को 84 योनियों से मुक्ति दिलाती है। मान्यता है कि इसकी शुरुआत त्रेता युग में ही हो गई थी। आज से तकरीबन लाखों साल पहले से अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा होती आ रही है। रामायण और रामचरितमानस में ही लिखा है, राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। ये यज्ञ अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पर हुआ था। 84 कोस परिक्रमा इस स्थान से शुरू होती है। आज इस स्थान को मखौरा के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। मखौरा का मूल शब्द मख है, इसका अर्थ यज्ञ होता है। तुलसीदास ने बालकांड में एक चौपाई में इस शब्द का प्रयोग भी किया है। वो लिखते हैं, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे। यानी कि राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में कई राक्षसों को मारा है। पुत्र यज्ञ के लिए दशरथ जी की यात्रा करीब 22 दिनों में ही पैदल पूरी की गई थी। इसमें करीब 25 पड़ाव के साथ विश्राम के लिए कई स्थान हैं। दो छोटी परिक्रमा हर साल हजारों भक्तों द्वारा पूरी की जाती है। इसी तरह 84 कोसी परिक्रमा के लिए हर साल साधु सन्यासी निकलते हैं और राम राम का जाप करते चलते हैं। इस परिक्रमा को करने का नियम भी थोड़ा सा कठिन है। परिक्रमा कार्तिक महीने में की जाती है। इस दौरान तीर्थयात्री केवल एक बार अनाज खाते हैं और बाकी समय फल खाकर रहते हैं। तीर्थयात्रियों का पहला पड़ाव बस्ती के राम रेखा मंदिर में है। अगले दो पड़ाव बस्ती के दुबौलिया ब्लॉक के हनुमान बाग और अयोध्या में श्रृंग ऋषि आश्रम में है। इस तरह 100 से अधिक गांव परिक्रमा मार्ग पर पड़ते हैं। इतनी प्राचीन परिक्रमा की शुरुआत कैसे हुई, इसके जवाब में कोई एक सटीक कहानी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच कई कहानियां फैली हुई है। ऐसी ही एक कहानी देव ऋषि नारद से जुड़ी हुई है।
हुआ यूं कि एक बार नारद मुनि से गलती से किसी ऋषि का अपमान हो गया। उन्होंने क्रोध में नारद मुनि को 84 लाख योनियों में भटकने का श्राप दे दिया। चिंता में नारद जी ने शिव जी से इस श्राप का उपाय मांगा। तब उन्होंने उपाय बताया कि इस समय आपके नारायण राम अवतार लेकर अयोध्या में है, तुम इस पवित्र धाम की 84 कोस परिक्रमा करो। इस तरह हर एक कोस के साथ तुम्हारे 84 लाख जन्मों के पाप कट जाएंगे। नारद मुनि ने ऐसा ही किया और वे श्राप मुक्त हो गए। इसके बाद उनके ही आग्रह पर श्री राम ने 84 कोस परिक्रमा को मान्यता दे दी। बस सिलसिला तब से चल पड़ा और राम नाम की धुन की जो राह नारद मुनि ने दिखाई थी, भक्तों का टोला उसी मार्ग पर चलता चला आ रहा है। कदम दर कदम बढ़ते चले जाते हैं और सुनाई देता है तो केवल एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ मैं भावना गुप्ता आपसे लेती हूँ विदा। भगवान राम की इस अनोखी यात्रा की दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जी हिंदुस्तान। धन्यवाद।